हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप फ्यूचर में हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमन अग्रवाल आज डिस्कस करने जा रही हूँ स्टेरॉइड्स के बारे में, स्टेरॉइड क्रीम्स के बारे में, मतलब जो मलहम या क्रीम हम लगाते हैं जिनमें स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड से घबराना नहीं चाहिए। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं और हमें कहते हैं मैडम स्टेरॉइड मत दीजिएगा। स्टेरॉइड कई कंडीशंस में काम आते हैं, जैसे सोरियासिस, लाइकेन प्लानिस, विटिलिगो, एक्जिमा, एलर्जी और भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, कई चीज़ों में काम आते हैं। इसलिए स्टेरॉइड ऐसे बहुत अच्छे हैं और शायद यही रीज़न है कि उसका इतना अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी जो एक्शन है, जो वो सूजन कम करता है, उसके वजह से ये बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं कई कंडीशन में। लेकिन स्टेरॉइड का यूज़ सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट से अगर आप रिकमेंड होने पे, प्रिस्क्राइब होने पे करें तो ही अच्छा रहता है। बेसिकली स्टेरॉइड का मिसयूज़ बहुत कॉमन है। कई बार बिना जानकारी के वजह से, गलत जानकारी के वजह से या गलत लोगों से सलाह लेने के वजह से हम स्टेरॉइड यूज़ कर लेते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट हमें झेलने पड़ते हैं। तो आइए जाने पहले तो कि किन कंडीशंस में आप गलत तरह यूज़ कर सकते हैं। एक तो कभी कभी क्या होता है, हमें कोई तकलीफ़ होती है जो किसी और को हुई हो, हमें ऐसा लगता है सेम तकलीफ़ है और हम सेम मेडिसिन यूज़ करते हैं। उस कंडीशन में दो चीज़ें हो सकती है। एक तो हो सकता है आपकी त्वचा सेम ना हो, आपकी तकलीफ़ सेम ना हो, जो जगह आप उनको तकलीफ़ हुई है वो जगह सेम ना हो, क्योंकि स्टेरॉइड का यूज़ जगह पे, कंडीशन पे, आपकी त्वचा की क्वालिटी पे, हर चीज़ पे डिपेंड करता है, उम्र पे भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, फेयरनेस क्रीम्स कई ऐसी आती हैं जिनमें स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड से फेयरनेस नहीं आती है, लेकिन वो फेयर एक बार लगती है वाइट होने के वजह से, जिसके वजह से कुछ फेक फेयरनेस क्रीम्स आती है जिनमें स्टेरॉइड हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन में आजकल स्टेरॉइड बहुत यूज़ होते हैं, इसके वजह से स्टेरॉइड का मिसयूज़ बहुत बढ़ गया है। कॉम्बिनेशन में मतलब जिसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक्स और इवन स्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हर तरह की दवा मिक्स की होती है, उसमें स्टेरॉइड भी होता है। ये मिक्स दवा का मेन पर्पज़ क्या होता है कि आपको स्किन में कुछ भी इशू है तो आप ये लगा सकते हैं और उससे आपको एक बार हर कंडीशन में इम्प्रूवमेंट मिलेगी, क्योंकि उसमें सब चीज़ें ऐड की हुई। लेकिन उससे कोई भी कंडीशन ठीक तरह से ठीक नहीं होती है, उसका ठीक तरह से इलाज नहीं हो पाता। तो इन शॉर्ट, आप कोई भी क्रीम, मेडिकेटेड क्रीम, डॉक्टर की सलाह के बिना मत यूज़ करिए। एक बॉडी पार्ट के लिए आपको जो क्रीम दी हो, वो अपने मन से आप दूसरे बॉडी पार्ट पे यूज़ मत करिए। कई बार होता है हमें पैर पे कोई तकलीफ हुई है जिसके लिए हम क्रीम देते हैं पेशेंट को, और वही क्रीम वो लोग को ऐसे फेस पे कुछ प्रॉब्लम होती है वो लगा लेते हैं। पैर पे जो क्रीम आपको सूट कर रही है वो फेस पे सूट ना करे, ऐसा होना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि पैरों की त्वचा और फेस की त्वचा में बहुत फ़र्क है। दूसरी बात, कभी आपको कोई प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो कोई क्रीम, उसको आप बाद में वापस अपने मन से यूज़ ना करें, किसी और को प्रिस्क्राइब की हुई क्रीम्स यूज़ ना करें। फेयरनेस क्रीम के चक्कर में मत पड़िए। आपका जो बेसिक कॉम्प्लेक्शन है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर टैनिंग, पिगमेंटेशन हुई है तो वो इम्प्रूव हो सकता है। उसके लिए जो क्रीम्स आती है उसमें स्टेरॉइड्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए, जितने दिनों के लिए दिया गया है उतने दिनों के लिए ही यूज़ करिए। कई बार आपको कोई स्टेरॉइड क्रीम हम प्रिस्क्राइब करते हैं पर हमारा पर्पस थोड़े दिन ही यूज़ करना होता है। पेशेंट कई बार उस ट्यूब को फिनिश करने के चक्कर में आ नहीं पाते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो वो कंटिन्यू उसको यूज़ करते रहते हैं, जो नहीं करना चाहिए, जो बहुत नुकसान कर सकता है। क्वैक से मेडिसिन ना लें। जो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के नाम पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत फील्ड की, दूसरे फील्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह के डॉक्टरों से या इस तरह के लोगों से आप इलाज ना लें। वो ज़्यादातर आपको स्टेरॉइड क्रीम देंगे, क्योंकि स्टेरॉइड से एक बार आपको हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो जाती है। अब स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्यों मैं मना कर रही हूँ स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करने, ये समझिए। सबसे पहले, स्टेरॉइड क्रीम आपकी त्वचा को पतली कर सकती है। पतली करने के वजह से ही स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। वो त्वचा को सफ़ेद कर देती है, गोरा नहीं करती है, सफ़ेद कर देती है, जिससे सफ़ेद दाग जैसा लुक आने लगता है। और त्वचा में जो खून की नसें हैं वो भी पतली हो सकती हैं, टिलेंजेक्टेसिया दिख सकते हैं, थ्रेड जैसे दिख सकते हैं। खून की नसें पतली होने के वजह से आपको चोट लगने पर नील जल्दी बन सकती है,
चेहरे पे यूज़ करने से रोएं, बाल थोड़े मोटे हो सकते हैं, आपको पिंपल हो सकते हैं, रोजेशिया की प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है, पेरीओरल डर्मेटाइटिस मतलब होठों के अगल बगल के पोर्शन में एक्जिमा टाइप हो सकता है। इसके सिवा टैकीफाइलेक्सिस हो सकता है, मतलब स्टीरॉइड की आपकी स्किन पे असर होनी बंद हो जाएगी और जब हमें ज़रूरत होगी तब हम नहीं यूज़ कर पाएंगे। सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, ये सब हो सकता है। आँखों के अगल बगल यूज़ करने से, लॉन्ग टर्म यूज़ करने से मोतिया हो सकता है, ग्लॉकोमा हो सकता है। तो देख रहे हैं हम कि कई प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए स्टीरॉइड क्रीम से डरिए मत, घबराइए मत। अगर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट दे रहे हैं तो वो बहुत ही सेफली आपको देंगे। बस इन बातों का ध्यान रखिए कि आप अपने मन से या किसी क्वैक से या किसी भी जनरल पर्सन से एडवाइस लेके स्टीरॉइड क्रीम अपने मन से ना यूज़ करें।